मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री बघेल ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा की घोषणा करते हुए इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए भी की राशि स्वीकृत की है। वहीं सभी स्कूल, छात्रवासों, आश्रमों, शासकीय भवनों के रख रखाव और उन्नयन के लिए 1,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। सीएम ने तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक शिक्षण संस्थाओं के उन्नयन के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट आईटीआई योजना की घोषणा करते हुए इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री शनिवार को अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ गौरव दिवस पर 33.96 करोड़ रुपए की 4 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया है। इनमें 30 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से 12 कार्यों का भूमि पूजन और 3.83 करोड़ रुपए की लागत के 2 कार्यों का लोकार्पण भी शामिल है। इधर मंत्रालय के अधिकारी मन बैठे हैं, पहले से तैयारी हमर मन के हो गई से, और 19 लाख किसान मन के ऋण माफी करे सबसे पहली फैसला, और अतका बड़ ऋण माफी छत्तीसगढ़ में पहली एकर पहली कभी नहीं हुआ, न मध्यप्रदेश में न छत्तीसगढ़ में। उकर बाद 2500 रुपये में धान खरीदी का एक फैसला, जिन किसान मन है पहले 17 दिसंबर के पहली दिन धान बेच दे रही से, और पैसा ऋण में समायोजित हो गई से लगभग 1200 करोड़ रुपया उहुल वापस करे एक फैसला हमारे लिए। उही दिन से न्याय की शुरुआत जिन हो है तिन आज भी निरंतर चलाते हैं।